लवण। क्या आप जानते हैं कि चींटी के डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से आपको आराम मिलता है? ऐसा इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा चींटी के दंश को निष्प्रभावी कर देता है। अब हम जानते हैं कि अम्ल या क्षारक क्या होता है। आइए जानें कि अम्ल और क्षारक को मिलाने से क्या होता है। एक अम्ल या क्षारक मिलकर लवण और जल प्रदान करते हैं। आइए हम निम्न प्रयोग करें। थोड़े से फिनाल फथिलीन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएं। अम्लीय विलयन में सूचक रंगहीन रहता है। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा अंश मिलाते हैं। एक निश्चित बिंदु पर सूचक अपना रंग बदलता है। इसका अर्थ है कि अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ने पूर्णतः उदासीन कर दिया है और कुछ अवशेषी हाइड्रोक्साइड विलयन में उपस्थित हैं। इस अभिक्रिया से लवण, सोडियम क्लोराइड और जल उत्पन्न होता है। अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।